फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक जीनी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के मत ज़्यादा एंटिसिपेटेड स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि है गूगल पिक्सल 3 एंड गूगल पिक्सल 3 XL। देखा जाए तो मार्केट में ये दोनों स्मार्टफोन्स को लेके काफ़ी ज़्यादा लीक्स एंड रूमर्स ऑलरेडी थे, इसके स्पेसिफिकेशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस थे एंड इसके डिज़ाइंस को लेके भी डिस्कशंस थे। वैसे तो पहले मैंने ये दोनों स्मार्टफोन्स पे वीडियो नहीं बनाया है, अब जाके बना रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी ये स्मार्टफोन्स के ऑफिशियल डिज़ाइन रेंडर्स लीक हो चुके हैं एंड ये डिज़ाइन रेंडर्स हम लोग को ये दोनों स्मार्टफोन्स के 360 डिग्री व्यू देता है, यानी कि अब हम हर एंगल से ये स्मार्टफोन्स का डिज़ाइन देख सकेंगे एंड ऑफकोर्स ये रेंडर्स फैक्ट्री बेस्ड कैड स्कीमेटिक्स पे ही बने हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बट फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोज। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल पिक्सल 3 के रेंडर्स के बारे में। अगर हम लोग गूगल पिक्सल 3 के रेंडर्स को देखें तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन में नॉच नहीं इंक्लूड किया गया है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन में 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है, बिकॉज हम देख सकते हैं कि ये स्मार्टफोन के लेफ्ट एंड राइट साइड का बेजल्स एकदम ही कम कर दिया गया है, हालांकि टॉप एंड बॉटम पे बेजल्स क्लियरली विजिबल है। इसके अलावा अगर हम अब गूगल पिक्सल 3 XL के बारे में बात करते हैं तो इसमें हर एक स्मार्टफोन के जैसे नॉच इंक्लूड किया गया है, बट अगर हम लोग गूगल पिक्सल 3 XL का नॉच आईफोन X के नॉच से कंपेयर करें तो डेफिनेटली इसमें नॉच इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, यानी कि हम लोग को ज़्यादा स्क्रीन विजिबिलिटी मिलता है एंड इसी नॉच की वजह से ये स्मार्टफोन में 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो रहेगा। इसके अलावा हम ये दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट में सेंसर्स को देखें तो हमको डुअल सेंसर्स दिखते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्मार्टफोन में डुअल फ्रंट कैमरा प्लेस किए गए हो, तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली डुअल फ्रंट कैमरा पे ज़्यादा वेटेज रख सकता है, या तो सिर्फ एक कैमरा सेंसर हो सकता है और एक लाइट सेंसर हो सकता है, बट ऑफकोर्स अब तक इस पर हमको कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। तो अगर हम बॉटम पे देखें तो ये स्मार्टफोन में USB टाइप सी कनेक्शन दिया गया है एंड बाजू में सिम स्लॉट दिया गया है, यानी कि ये फ़ोन के बॉटम में सिम ट्रे दिया गया है एंड साइड में आपको डेफिनेटली पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन्स दिखते हैं। तो ये थी बात ये दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट डिज़ाइन के बारे में। अगर हम ये दोनों स्मार्टफोन्स के रियर पैनल को देखें तो देखने वाली बात यह है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स के रियर पैनल में फिलहाल सिर्फ सिंगल कैमरा दिया गया है, हालांकि ड्यूअल एंड ट्रिपल कैमरा का ट्रेंड चालू है, फिर भी गूगल पिक्सल 3 एंड गूगल पिक्सल 3 XL में अभी भी सिंगल कैमरा का ही सेटअप दिया गया है एंड इसके अलावा इसके रियर पैनल में हमको क्लियरली फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिखाई देता है एंड नीचे गूगल का ब्रांडिंग भी दिखाई देता है। तो ये थी बात गूगल पिक्सल 3 एंड गूगल पिक्सल 3 XL के डिज़ाइन चेंजेस के बारे में। अगर हम लोग दूसरे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें जो ऑलरेडी मार्केट में लीक हो चुके हैं, तो ऐसा कह रहे हैं कि ये दोनों स्मार्टफोन में लेटेस्ट क्वालकॉम 845 का चिपसेट रहेगा एंड इसके अलावा गूगल पिक्सल 3 में स्क्रीन साइज हो सकता है 5.4 इंच का, जबकि गूगल पिक्सल 3 XL में स्क्रीन साइज हो सकता है 6.3 इंचेस का। एंड इसके अलावा ये दोनों स्मार्टफोन्स में लेटेस्ट एंड्रॉयड का पी वर्जन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे अपडेट्स गूगल पिक्सल 3 एंड गूगल पिक्सल 3 XL के बारे में। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये स्मार्टफोन्स के और भी क्या ज़्यादा लीक्स आते हैं, क्या रूमर्स आते हैं। तो जैसे ही कुछ नए लीक्स आएंगे, जैसे ही कुछ नए रूमर्स आएंगे, तो डेफिनेटली मैं आप सबको अपडेटेड रखूंगी मेरे अपकमिंग वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जीनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।